पहला राजा हूं, उसकी 37 आयत में लिखा, लेकिन चौथे वर्ष में जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई, 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस और सब समेत जो उसके उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उस भवन को बनाने में 7 वर्ष लगे। सब कहें आमीन। पहला राजाओं 7 उसकी 1 आयत में लिखा, सुलेमान ने अपना भवन भी बनाया, अपना घर भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। सब को आमीन। और लिखा उसने लबानोनी नामक वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू यानी एक बहुत महंगा पेड़ के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू यानी देवदारू लकड़ी की कड़ियां रखी गई। सब बोलो आमीन। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, पहला राजाओं 6 उसकी 2 आयत में लिखा, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। सब बोलो आमीन। अपनी आंखें खोलो मेरे दोस्तों एक मिनट के लिए। आप जानते जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा उसमें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज आपके छुटकारे की रात है यीशु मसीह के नाम में। आप आए जिस तरह भी हैं, यहां से गवाही को लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सुनो परमेश्वर का वचन। उन्होंने कहा कि चौथे वर्ष में यानी 7 वर्ष लगे परमेश्वर का भवन बनने में, हाँ या ना? जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा मैंने देखा कि जो भवन बनाया गया खुदा के लिए उसको बनाने में कितने साल लगे, 7 साल। लेकिन जो राजा का घर था उसको बनाने में कितने साल लगे, 13 साल। लेकिन जो परमेश्वर का भवन था वो लिखा उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसका मतलब वो 90 फुट के करीबन अगर हम लगाएं, 120 लगाएं, अगर एक हाथ हम 2 फुट का लगाएं तो उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी बनती उससे दुगनी थी उस महल की ऊंचाई और चौड़ाई जो सुलेमान ने अपने लिए बनाया था। जब मैंने ये वचन पढ़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैंने ये वचन पढ़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का घर छोटा है और सुलेमान का घर बड़ा है। मैंने कहा नहीं ये आत्मिक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का घर सुलेमान के घर से क्या होना चाहिए था? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो पहली बार मैंने ये वचन पढ़ा था सालों पहले लगातार मैं पढ़ता आ रहा था, मेरे को अच्छा नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि सुलेमान शायद शारीरिक इंसान है। आज मैं फिर वचन पढ़ रहा था, मैंने फिर ये हिस्सा पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे समझा सकते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, अच्छा है, ये आत्मिक है, क्योंकि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। अगर तुम 60 हाथ का भवन मुझे दे सकते हो तो मैं 120 हाथ का तुम्हें घर वापस दे सकता हूं। आप समझे नहीं मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैंने कहा परमेश्वर ने कहा अगर तू 60 हाथ का भवन मुझे दे सकता है तो मैं 120 हाथ का घर तुझे वापस कर सकता हूं। आप समझे नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने कहा अगर तू 2 घंटे मुझे वीरवार को दे सकते हैं तो मैं 20 घंटे तुझे रोज दे सकता हूं, आशीष के और चंगाई के और शर्मिंदगी के बगैर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं? जब मैं पहले वचन पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि सुलेमान एक आत्मिक इंसान नहीं है, अगर वो होता तो ऐसा होता कि उसका घर आधा होता और उसका उस परमेश्वर का घर दुगना होता। परमेश्वर का नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम मुझे 100 दे सकते हो मैं 1000 वापस करूंगा, अगर 1000 दे सकते हो मैं 1,00,000 वापस करूंगा, अगर जिंदगी दे सकते हो तो मैं अच्छी जिंदगी वापस करूंगा। आमीन। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर के चरणों में वो 300 दिनार का इत्र बेचा गया, रखा गया, तोड़ा गया, संगमरमर के पात्र में, चेले घबरा गए, कहते ये 300 दिनार 200 दिनार कितने दिनार में बेचा जा सकता था? एक व्यक्ति की मजदूरी थी 1 दिनार उस टाइम, यानी अगर आज की कीमत लगाएं तो वो सेंट 90,000 का था जो 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 परमेश्वर के चरणों में सिर्फ वेस्ट कर दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको छेड़ो मत, इसको सताओ मत, क्योंकि जो मेरे चरणों में रखा गया है, जो 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 मेरे चरणों में रखा गया है लोगों का परमेश्वर ने अभिषेक किया,
लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके कारण इसने मेरा अभिषेक किया, मेरे मरने के पहले इसने मुझ पे इत्र डाला है और मेरा अभिषेक किया है। अगर आज मैं आपको चेलों के नाम पूछूं, 12 चेलों के नाम क्या है आपको याद नहीं होंगे, लेकिन किसने वो इत्र डाला था, मरियम को आपको याद होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर के लिए किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं होती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जब मैंने वचन को पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर आज मुझे पहली बार समझ आया कि तू क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम जितना बोलोगे मैं वापस करूंगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तक जिन्होंने बोया है उन्होंने काटा है। परमेश्वर ने कहा सुलेमान, एक व्यक्ति की 5 सेंस होती, कितनी सेंस होती? अपने पड़ोसी को बोलो 5। कौन कौन सी? साइट यानी देखना, टच करना, स्मेल लेना, सुनना, ये क्या है, टेस्ट करना, ये क्या है, 5 सेंसेस। कितने? जो आपके शरीर में। लेकिन 6वीं सेंस विश्वास है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप सुलेमान की जिंदगी देखें तो बाइबल में लिखा वो पहलौठा नहीं था अपने पिता का, लेकिन राजगद्दी उसको दी गई। जब इजरायली लोग होते थे, जो इजरायली लोग होते थे वो अपने, जरूरी नहीं कि बड़े बेटे को ही राजा बनाते थे या अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनाते थे। बाइबल बताती राजाओं के बेटों को कुछ खास व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाता था और वो व्यक्ति राजा को बताते थे कि तेरा ये बेटा राजा होने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें वो सभी चीजें नहीं पाई गई जो राजा होने के लिए जरूरी है। और वो बताते थे कि हाँ तेरा ये बेटा राजा होने के काबिल है, क्योंकि जो उसमें है वो उस चीज के काबिल है कि हाँ ये राजा बनाया जा सकता है। आज कौन जैसी रहता है जिसकी जिसकी फेथ, जिसकी 6th, 6वीं, 6th सेंस खुली नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मेरी आशीष को दूसरा व्यक्ति खत्म कर सकता है क्योंकि उसकी आशीष भी मेरे जैसी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती जो विश्वासी है वो ये जानता है जो आपके लिए बनाया गया, आपका दुश्मन लाख चाहे उसको छीन नहीं सकता, आपका आपके लोग छीन नहीं सकते, आपके लोग ये मोबाइल ले सकते हैं, आपसे शारीरिक चीज ले सकते हैं, उस अनुग्रह को कैसे छीनेंगे जिसके कारण ये मोबाइल आपके पास आया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं सुलेमान को मैंने इसलिए दुगना भवन दिया। परमेश्वर के भवन की लंबाई 60 हाथ, सुलेमान के अपने घर की लंबाई 100 हाथ, परमेश्वर के भवन की जो चौड़ाई है वो 20 हाथ और उसके भवन की जो चौड़ाई है वो 50 हाथ और ऊंचाई दोनों की सेम है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते। आज आपकी आत्मिक आंखें खुले, कान खुले, आप सुने, आप देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप सुने और देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं जानता हूं आज कौन सा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हजारों की गिनती में यहां पे मौजूद हैं। इसका इसके प्योर, ये प्योर प्लान है परमेश्वर का। जब आप घर से निकले थे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप जीतने के लिए निकले थे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोगों सलाह नहीं करता क्या किया जाए, रोजे रखे, परमेश्वर को मनाया जाए कि परमेश्वर वापस चले बात को या जाया जाए। लिखा वो चाहते हैं अपने बेटे को रखता है लकड़ी के ऊपर और काटने लगता है, आवाज आती है अब्राहम अब्राहम, अब मैं जान चुका हूं तू मेरा भाई मानता हूं, उसे प्रेम करता है। कब कब? 25 साल बाद एक परमेश्वर आपसे बोले कि अब मैं जान गया। अब्राहम बोलते परमेश्वर 25 साल पहले जब मैंने पिता छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, पैसे छोड़ दिया था, तब तुझे याद नहीं आया कि तुम मुझे, तूने तब मुझे नहीं कहा कि मैं जान गया हूं। और 25 साल बाद परमेश्वर बोलता है अब मैं जान गया हूं। आपका आपका सेक्रीफाइस, आपका बलिदान प्रूफ करता है कि आप परमेश्वर की संतान है। जो परमेश्वर की असली संतान नहीं है वो कभी बलिदान नहीं करेंगे, कभी समय नहीं निकालेंगे,
कभी दया नहीं करेंगे, कभी जेल से नहीं छोड़ेंगे, कभी बोएंगे नहीं। 25 साल बाद एक परमेश्वर बोले, ऐसा परमेश्वर ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिसे मैं घर छोड़ दिया, 25 साल बिना किसी प्रॉब्लम में परमेश्वर के साथ साथ चल रहे, और अभी परमेश्वर 25 साल बाद बोलते हैं अब मैं जान गया हूं क्रिश्चियनिटी शॉर्टकट नहीं है, मैंने कहा मसीहत शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। आप जीत चुके हैं अभी से, आप जीत में चल रहे हैं अभी से, और आप दुआई के साथ अभी आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं, जो जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं भूल जाते हैं कि परमेश्वर टेम्परेंस, परमेश्वर लॉन्ग सफरिंग, परमेश्वर पेशेंस रखने वाला परमेश्वर। उसे 25 साल बाद कहा अब मैं जान गया हूं, अब्राहम सोचता होगा अब मैं जान गया हूं, पहले तूने जाना था, अब मैं, अब का क्या मतलब, अब मैं जान गया हूं। परमेश्वर कहता अब मैं जान गया हूं कि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है, तूने वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। आज हम लोग जब बलिदान करते हैं, जब बीज देते हैं, जब समय देते हैं, जब टाइम देते हैं, जिंदगी देते हैं, तब परमेश्वर हमारे बलिदान को देख के समझता है कि हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते परमेश्वर को जो तुम्हें वो 100 गुना करके वापिस नहीं दे सकता, 10 गुना करके वापिस नहीं दे सकता, 1000 गुना करके वापिस नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैंने जानबूझ के सुलेमान का बड़ा घर बनाया। आज लोग विश्वास में नहीं है, इस कारण मैं आपको बताता हूं छठी सेंस कौन सी है। मेरे को आवाज नहीं आई, मिल के बोलो। और सातवीं प्रोफेसी है, सातवीं क्या है मैं आपको बताता हूं। आयोजन के पीछे खड़े हो थोड़े देर। सुलेमान जब जला नहीं, जब जलसी नहीं की, परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रेम और चीयरफुली और हरिश और खुशी से देने वाले को क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। अगर आप सुलेमान को देखें तो ऐसा टाइम आया जब उसने एक एक भेड़ परमेश्वर को चढ़ाई, उस जमाने में वो बहुत ज्यादा अमाउंट थी, और उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, और वो उसने सपने में परमेश्वर से बुद्धि पाई। देखो मेरी बात सुनो, जब आप परमेश्वर में आते हैं परमेश्वर आपको सिक्स सेंस में लेके जाता है, यानी विश्वास। आप विश्वास से जीना शुरू करते हैं, आप विश्वास से जेलसी बंद कर देते हैं, आप विश्वास से व्यभिचार बंद कर देते हैं, आप विश्वास से बोना शुरू करते हैं, आप विश्वास से पाप बंद करते हैं, और जब लंबा समय विश्वास में चल लेते हैं आप फिर प्रोफेसी पाते हैं। वो प्रोफेसी नहीं, वो प्रोफेसी जो आजकल लोगों को खुश करने के लिए दी जाती है, वो प्रोफेसी जो सुलेमान को मिली कि अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने आज तक किसी राज्य को ना दिया और ना दूंगा, क्योंकि तो टाइम तो विश्वास पे चल के, अपनी छठी सेंस पे चल के, विश्वास पे चल के अब तो सातवीं सेंस पे पहुंच चुका है। प्रोफेसी लास्ट सेंस है एक व्यक्ति की लाइफ में। कहते मेरी बात, वीरवार कह रहे लोगों का दिन है, हाँ या ना, बच्चों का दिन नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो वीरवार बच्चों का दिन नहीं है, आमीन। आप जब सेंस को छोड़ देते हैं और आप फेथ से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह जब शमौन कोड़ी के घर में गए, बाइबल को जाते हैं, आज आपने वो नोट करके जाना है और आपने घरों में जाके उसको स्टडी करना है। बाइबल कहते हैं जब वो शमौन कोड़ी के घर में गया तो वहां पे एक औरत आई जिसकी मैंने आपको बात बताई, उसने प्रभु से माफी ली अपने पापों की। लेकिन आप एक बात को नोटिस करेंगे, शमौन कोड़ी की चंगियाई बाइबल में कहीं भी दिखाई नहीं देती, हाँ या ना। शमौन कोड़ी का कोड़ी जबकि यीशु मसीह उसके घर में आते वापिस चले जाते। अगर आप बाइबल को ध्यान से स्टडी करें तो जब परमेश्वर ने अंधे को बोला था कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, परमेश्वर जानते नहीं थे क्या उसके लिए क्या किया जाए, बताओ जानते थे कि नहीं जानते थे, परमेश्वर जानते थे रोखा चाहिए कि नहीं जानते थे, दसो फिर परमेश्वर ने क्यों पूछा दस रुकी चाहिए। परमेश्वर चाहते हम डिमांड करें उसकी अनॉइंटिंग के ऊपर, हम क्या करें डिमांड करें।
वो आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके डिमांड आपकी फेथ के हिसाब से आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन शिमोन कोड़ी के घर में वो आते, कोड़ी वापिस, कोड़ी वही रहता है, यीशु मसीह वापिस चले जाते हैं, वो कोड़ी का कोड़ी रहता है। आंधे को परमेश्वर पूछते हैं, आंधे को क्या चाहिए, कहते हैं परमेश्वर मैं देखने लगूं। एक बार ऐसा भी बाइबल में हुआ, वो चार चार शहर यीशु मसीह निकल के एक शहर में जाते हैं। कितने शहर, यानी मैं यहां से लुधियाना जाऊं, फिर लुधियाना से नवा शहर जाऊं, फिर आगे जाऊं, फिर चंडीगढ़ से साइड पे जाऊं, और फिर मैं एक जगह पे वेट करूं कि अब मैं उस बंदे के पास नहीं जाऊंगा, वो बंदा मेरे पास आए। अगर बाइबल की गहरी स्टडी करें, केवल चार चार शहर परमेश्वर निकल जाते हैं एक व्यक्ति को जगा करने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के पास नहीं जाते और एक जगह रुक जाते और इंतजार करते कि उस व्यक्ति खुद चल के पास आए। कितने भी बात को समझ रहे, इसका मतलब क्या, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम डिमांड करें उसकी अनॉइंटिंग के ऊपर फेथ के साथ। हालेलुया, क्या परमेश्वर सबको ब्लेस नहीं कर सकते जिस तरह परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया। जब मूर्ति बनाई गई थी और राजा ने कहा था कि जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। डेनियल का चैप्टर हमने पढ़ा था पिछले संडे, पिछले वीरवार और संडे दोनों, हाँ या ना, कितनों ने सुना है वो। उसके आगे हम डेनियल की बात नहीं करते रहेंगे, अभी वो खत्म नहीं हुआ चैप्टर। आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़े तो उसे जब उस ऊंची मूर्ति को दंडवत करने के लिए कहा था, कितनों ने दंडवत नहीं किया, चारों ने नहीं किया, तीन की झुगली पहुंची शद्रक मेशक अबेदनगो। लेकिन अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो वो केवल चार यहूदी नहीं थे, लाखों यहूदी थे उनके पास, लेकिन सबने दंडवत किया, हाँ या ना। यहूदी और भी थे कि नहीं थे, थे ना, जो राजा ने बंधक बनाए थे। क्यों बंधक बनाए थे, क्योंकि यशाया 39 में लिखा है कि हिजकिया राजा ने अपना सारा कुछ बेबिलोन के राजा को दिखा दिया था, अपने हथियार अपना सारा कुछ, और फिर उस नबी ने उसको बोला था कि तूने अपने दुश्मन को इंप्रेस करने के लिए, मारने के लिए इस बेबिलोन के राजा से संधि करके इसको खुश करने की कोशिश की, इस कारण कि ये आने वाली लड़ाई में काम आएगा और तूने यहोवा पे भरोसा नहीं रखा, इस कारण ये सारा देश लूट लिया जाएगा। और यही कारण था दानियल के टाइम में रेड पड़ी और सब कुछ लूट लिया गया। हालेलुया, लेकिन बहुत सारे यहूदी वहां पे मौजूद थे और सब यहूदी डर गए, कहते राजा बहुत सख्त है, अगर हम दंडवत नहीं करेंगे तो हम मरेंगे, तो जान है तो, जान है तो, ऊंचा बोलो जान है तो दंडवत कर दो। उन्हें दंडवत करता है कि प्रभु यीशु मसीह तेनु सबक के करण लग गया, अच्छा गुस्सा ना करी, आप आम बनना चाहते हो आम काम करो। वो चार वो तीन क्या बोलते हैं कि राजा हमें मंजूर नहीं, अगर तू मारना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, तो भट्टी में डालना चाहता है नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है, वो ना भी छुड़ाए तो मेरा परमेश्वर है, और बाइबल बोलती है वो छुड़ाए गए, हाँ या ना। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, हर परीक्षा के बाद आपको प्रमोशन मिलते हैं, जब आठवीं की परीक्षा देते हैं आप सातवीं में जाते हैं, आठवीं में जाते हैं कि नौवीं में जाते हैं। जब आपकी परीक्षा होती तो टीचर चुप रहता कि बोलते हैं, टीचर का सिखाने का टाइम है, वो सिखाता है सारा साल, पढ़ाता है सारा साल, लेकिन जब पेपर होते हैं क्या वो पढ़ाता है, क्या वो सिखाता है, क्या वो बताता है, गाइड करता है, वो चुप रहते हैं और आंखें दिखाते हैं, इधर उधर भी नहीं देख रहे हैं। एक टाइम है जब आपको बताया जाता है यीशु मसीह के वचनों के बारे में, सिखाया जाता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सिखाता है और बताता है। एक टाइम है जब यीशु मसीह के नाम के कारण हम पे परीक्षा आती, तब परमेश्वर भी सिखाता और बताता और बोलता नहीं आपको चेक करने के लिए, अगर आप पास हुए अगली क्लास में जाएंगे, अगले लेवल पे जाएंगे, अगली आशीष में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर बाइबल ध्यान से पढ़े, जब जब दानियल और उन तीनों पे परीक्षा आई, बाइबल बताती वो अगले लेवल पे, अगली कुर्सी पे, अगली पदवी पे, ऊंची पदवी पे पोस्टिंग उनकी प्रमोशन के साथ की गई। हालेलुया, लेकिन वो सब यहूदी वैसा नहीं कर पाए,
सबको डर था अलग अलग अपनी जान का। कोई छोटे बच्चे को अपनी बच्चे को देके बोल रहा है अगर मैं मर गया ऐसा की बनूंगा, ऐसा की बनूंगा, घर ऐसा की बनूंगा, मम्मी ऐसा की बनूंगा। और छोटो टेक लो मथा, चलो कोई नहीं, यीशु मसीह, यीशु मसीह समझ के टेक दियो जाने तो। उन दिनों ने कहा जो जान गवाएगा बाइबल कहती हो, हम बाइबल वाले लोग हैं, बाहर वाले लोग हैं, आप अलग हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको निकाल लिया गया है, आपको अलग कर लिया गया है, भूमि में से निकाल लिया गया, आपको बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अलग कर दिया गया। आप में से कमियां निकाली जाएंगी, पानी डाला जाएगा, मिट्टी का बर्तन बनाया जाएगा, वो बर्तन मालिक के काम आएगा, उसके पीने के काम आएगा। आमीन। सब यहूदी झुके, वो तीन नहीं झुके, वो तीनों की झुकली, वो चार नहीं झुके और तीन की झुकली। लोगों ने बताई राजा वो तेरी बात को उन्होंने माना नहीं, वो झुके नहीं। हालेलुया। आपका कर्म बताता है कि आप क्या लेना चाहते हैं और क्या क्या लेंगे आप परमेश्वर से। जब इसराइली राजा होते थे वो किसी अपने बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करते थे, वो अपने सारे बच्चों को अपने अपने कुछ खास लोगों के हाथों में देते थे और उनको बोलते इनमें निगाह रखो, कौन व्यक्ति कौन बच्चा कैसे है। और वो राजाओं को बताते थे कि राजा तेरा ये बच्चा जो है ये विश्वास में, तेरा ये बच्चा उसकी जिंदगी सही है और यही राजा बनाने के काबिल है और उसी को राजा बनाया जाता था। आप कौन क्रिश्चियन है, जन्म से मसीह है या 10 साल से मसीह है, परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कोई मायने नहीं करता। हन्ना रोज रोती होगी, परमेश्वर उन तक सुन ले, अब मेरी सौतन रोज चिढ़ाती है मुझे, मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं, अब मेरे से दुख सहन नहीं होता, इतने साल हो गए मेरे पास बच्चा नहीं है, अब इतने साल हो गए मेरे पास। इंसान इमोशनल है और उसकी उसकी बातें भी सच्ची लगती कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है तो मुझे देता क्यों नहीं, तूने उसको दे दिया मुझे क्यों नहीं देता तू। और एक दिन विश्वास के साथ बोलती परमेश्वर अगर तू मुझे दे तो तुझे दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा हाँ अब तू आई लाइन पे, अब तो इमोशनल नहीं है, अब तो इमोशन नहीं बता रही मेरे को प्रभु जी यहां कर दो, अब तू विश्वास के साथ आई, अब तू मुझसे बात कर रही, अब तू मेरी प्लानिंग को समझ रही कि ये बच्चा जो मैं तुझे देना चाहता हूं ये प्रॉफिट है, पर मैं तुझे दूंगा नहीं जब तक तू आत्मिक रीति में एक एक लेवल पे नहीं आ जाती। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चलता, सालों बाद परमेश्वर ने कहा उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। अब्राहम ने कहा परमेश्वर अब तक क्या मैं सिद्ध नहीं हुआ, मेरे को 12-13 साल हो गए। परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब तक मैं सिद्ध नहीं हुआ, मुझे को 20 साल हो गए, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जब सिद्ध हुआ उसको वो दूत दिखे जो पहले भी आते थे, अब्राहम उन्हें पहचानता नहीं था। अब आंखें क्या है खुली, आप जानते लास्ट सेंस कौन सी मैंने आपको बताई, प्रोफेसी। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, बोला बता तुझे क्या चाहिए। अब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने कहा परमेश्वर मैं बुद्धि मांगता हूं, परमेश्वर का बुद्धि भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा। लेकिन उसके पहले जो छठी सेंस है वो कौन सी है, विश्वास। इसीलिए आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं, वो 5 सेंस में जीते हैं, आप 7 सेंस में जीते हैं। हालेलुया। आप 6 सेंस में विश्वास के साथ जीते हैं, आप किसी के साथ जेलसी नहीं करते। क्यों, अगर कोई जेलसी करते हैं वो कभी प्रॉफिट नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अगर कोई जेलसी रखे तो वो कभी दास नहीं, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि 7वीं सेंस प्रोफेसी वो तब आपकी लाइफ में आती है जब आप एक लंबा समय विश्वास में गुजार लेते हैं। पौलुस को जो प्रॉब्लम हुई उसने कहा परमेश्वर ये दुख दूर कर, यीशु मसीह ने क्या कहा मेरा फजल तेरे लिए। अगर वो ना सुन पाता तो शायद इसी डर में जीता, हाय प्रभु मेरे तो नाराजता नहीं, हाय कुछ होता नहीं क्या, कोई प्रॉब्लम, परमेश्वर मेरी बात सुन रहे। शैतान उसे कंफ्यूज करता, उससे पाप करवाता, लेकिन बाइबल बताती वो सुन पाया इसीलिए
कांटा होने के बावजूद भी अब कांटा कोई मायने नहीं रखता था। कारण क्या है? विश्वास में चलते चलते अब सातवीं सेंस खुल चुकी है। आप बहुत जल्द परमेश्वर के रियल प्रॉफिट को देखने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आंखें ओपन हो जाएंगी। टाइम आ रहा है, आपने प्रेयर करनी हो, टाइम आए हैं। आमीन। आज कितने भी बातों को समझ रहे हैं, एक विश्वासी होने के नाते आपको अलग कर दिया गया संसार से। अगर आप आम यहूदी रहना चाहते हैं तो आम यहूदियों की तरह चलो और आम यहूदियों की तरह जियो और मर जाओ। लेकिन अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, बिना टेस्ट वो नहीं मिलेंगे, बिना पेपर आप अगली क्लास में, अगली ब्लेसिंग में, अगली आशीष में आप नहीं जा पाएंगे। कुछ लोगों के परिवारों का स्वभाव इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो लोग नहीं बदलते। कुछ लोगों की कलीसियाएं नहीं बदलती क्योंकि वो खुद लोग नहीं बदलते। सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके लोगों के साथ नहीं। आपकी आशीष आपके साथ जुड़ी, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं। एक पेड़ के अंदर से संतरे निकलते हैं, उसके बाहर से लगाए जाते हैं। पेड़ के अंदर से फ्रूट निकलता है, बाहर से टांगा जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। उसे कहा, अगर तू 60 हाथ का मुझे देगा, मैं 100 हाथ का तुझे वापिस करूं। मेरे में 7 वर्ष लगे, तेरे में मैं 13 वर्ष लगाऊंगा। बड़ा दूंगा, अच्छा दूंगा और दुगना दूंगा। आमीन। परमेश्वर तू मुझे हरा नहीं सकता, तू मुझे फिट नहीं कर सकता। तू मुझे जितना दे सकता है मैं तुझे वापिस कर सकता हूं। आशीष के साथ बिना दुख मिलाए मैं तुझे वापिस दे सकता हूं। अगर आप बाइबल को पढ़े, सब यहूदियों ने सिर झुकाया। जैसे वो तुरियां बजती थी, सारंगियां बजती थी, उनको हुक्म था कि उसी टाइम अपने सिर को झुकाना है उस मूर्ति के आगे। लेकिन वो चार जो विश्वास से भरे हुए थे, उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया था। और बाइबल बताती, जैसे जैसे वो परीक्षा से निकलते थे, राजा उन्हें ऊंची और उससे ऊंची पदवी में बिठाता जाता था। हालेलुया। और अगर सुलेमान को ध्यान से देखें, लिखा वो चीयरफुल हर्ष से देने वाला था। अगर सुलेमान के पास गरीब आता था तो लेके जाता था, पर सुलेमान ही मैंने ऐसा व्यक्ति देखा, अगर उसके पास अमीर आया तो वो भी वापस लेके गया। रानी आई अलग अलग चीजों को लेके, लिखा वो उतना वापस लेने गई जितना वो लेके नहीं आई थी। कितने इस वचन को समझते हैं? हालेलुया। इस कारण नहीं कि सुलेमान घमंडी था, इस कारण कि वो बेचने की कीमत को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर वही है जो हम उसे समझते हैं। परमेश्वर ने अंधे को बोला, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? यानी वो चाहते थे परमेश्वर यीशु मसीह की वो उसके उसके अनॉइंटिंग के ऊपर क्या करें, डिमांड करें। सुलेमान की डिमांड थी उस अनॉइंटिंग के ऊपर जो परमेश्वर की जानता था, इसीलिए वो बोलता था, इसीलिए वो विश्वास से चलता था, इसीलिए वो अपने भाइयों के साथ जेलसी नहीं रखता था। और कौन चुना गया? सुलेमान चुना गया, जबकि वो बेतशेबा की संतान था। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज, कि परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको टैकल नहीं करता, आपको हैंडल नहीं करता, आपके विश्वास के हिसाब से वो आपको हैंडल करता। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आप यहूदी की तरह जिंदगी जीना और मर जाना, या उस शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह, दानियेल की तरह जीना? विश्वासी जिंदगी आसान नहीं है। यीशु मसीह ने भी कहा कि थोड़े जो उस इसमें से प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। थोड़े जो इसमें से प्रवेश कर पाएंगे, परमेश्वर ने कहा। लेकिन वो चौड़ा और चाकर है, वो मार्ग जो चौड़ा है और बड़ा अच्छा है, जिसमें कोई परहेज नहीं, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, परमेश्वर का बहुत तेरे उसमें से प्रवेश करेंगे। क्योंकि मेरा मार्ग तंग है, लेकिन उत्तम पदार्थ बाइबल में बताते हैं सिर्फ तंग मार्गों में पाए जाते हैं। वो पदार्थ जो दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास है, वो तंग मार्गों में पाए जाते हैं। हाँ या ना? ऊंची आवाज बात करो मेरे साथ। आपकी जरूरत क्या है? परमेश्वर कोई मायने नहीं। खेत आपकी जरूरत देखता है कि बीज देखता है? बोलो।
परमेश्वर ने नहीं कहा कि बता तुझे क्या है, तू क्या समझता है मैं कर सकता हूं? हां मैं समझता हूं तू कर सकता है, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं। सुलेमान ये बात समझता था कि मेरा विश्वास मेरे कर्मों के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। सुलेमान परमेश्वर की ओर से अमीर नहीं था, यह उसका अपना डिसीजन था कि मैं इतना बोऊंगा और मैं इतना काटूंगा। अगर आप मरियम को उसकी स्टोरी को ध्यान से पढ़ें तो वो आसमान से नहीं चुनी गई थी। बाइबल बताती मरियम ने जब एक गाना गाया उस गाने में अपने भेद को बताया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर क्या किए, दृष्टि की। जब आप अपनी माता के गर्भ में गए थे आप तब नहीं हारे और आप गर्भ में गए, अब आप कैसे हार सकते हैं, अब आप कैसे हार सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। जीतना आपके जीन में है, आपके अंदर है। ये गहरी बात मैंने आपको बताई, हाँ या ना? जब आप अपनी माता के गर्भ में गए देखा 50,000 शुक्राणु उस गर्भ में जाते हैं और एक बच्चा होता है, आप 50,00,000 की रेस में जीते हो, अब कैसे हार सकते हो, आप कैसे हार सकते हो? इम्पॉसिबल आप हारेंगे यीशु मसीह, इम्पॉसिबल है आप जीतेंगे और जीते आए यीशु मसीह के नाम में। ये शैतान का काम मैं आपको बता रहा हूं, ये शैतानी काम आपको बताना, तू यूजलेस है, तू डफर है, तू गरीब है, तू बीमार है। मैं आपको बता रहा हूं अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बेहतर कर सकते हैं वो, अगर मुझे ब्लेस कर सकते हैं आपको बेहतर कर सकते हैं। आमीन। अगर एक पागल व्यक्ति आज प्रचार कर सकते हैं तो पागल था तो आप बेहतर कर सकते हैं, आप पागल नहीं है। आमीन। आप जीत का जीन आपके अंदर है, उसको जगाने की जरूरत है आपको। हालेलुया। वो जीत का जीन आपके अंदर है। आप जब अपने आप को जानते पहचानते भी नहीं थे आप तब जीते थे, अब आप जानते हो अपने आप को, यीशु मसीह को भी जानते हो, पवित्र आत्मा को भी जानते हो, वचनों को भी जानते हो, कैसे आ सकते हो? नहीं आओगे आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जब आप अपने आप को पहचानते नहीं हो हम कौन है, अब आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। मैं पवित्रता में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, पवित्रता अपने आप आपके पास है, आप चलते हैं जिस तरह आप सांस लेते हैं रोज रोज रोज। मैं एक दिन यौज के में पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कंगन पहनाऊंगा, मैं तुझे ये पहनाऊंगा, मैं तुझे तुझे हार पहनाऊंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कंगन नहीं डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए, कानों में नहीं डालना चाहिए, वो ड्रेस कोड है, पवित्रता ही नहीं। क्या है वो? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म है। वो कानों में तो उतार देते हैं अपनी झांझरियां पर जर्सी नहीं छोड़ते। पवित्रता ही आपके अंदर से निकलती है जब आप इस बात को समझ जाते। मैं फैशन करने को नहीं बोल रहा हूं, आपका फेथ इस बात में नहीं होना चाहिए मैंने ये उतार दिया और प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। जब आप उसके वचनों को समझ जाते हैं आप सर, फिर आप संघर्ष नहीं करते, पवित्रता ही आपके अंदर से निकलते हैं। आपके अंदर से आप सांस नहीं लेते, आप सोच के नहीं मैं सांस सवेरे उठ के ना मैं सांस लेना, लो सांस लो, समझो आप सांस ले रहे हो, सोच के लो सांस ले, दो सांस लो 10 बार, देखो मुश्किल हो जाएगा सांस लेना आपके लिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा सांस लेना। उस दिन लोगों के लिए मुश्किल हो गया मसीह में चलना, क्यों? क्योंकि लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है विचार में ना रहना, चोरी ना करना, ये ना करना, जेल से रखना। लेकिन जब आप यीशु मसीह को समझ जाते हैं फिर आप समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं, ये सारा कुछ कुछ नहीं। आप जब सुबह उठते हैं बिना इस बात को सोच के मैंने सांस लेना है आप चलना शुरू करते हैं, आप विचार इधर से आते हैं आप इधर चले जाते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं। आमीन। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? आप कैसे हार सकते हैं? आप नहीं हार सकते, आप नहीं हार सकते, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आप नहीं हार सकते। मैं आपको बोल रहा हूं जीत का जीन आपके अंदर डाल दिया गया है। जब आप अपने आप को जानते नहीं रहते तब नहीं हारे, आप कैसे हार सकते हो? आप नहीं हार सकते, मैं आपको बता रहा हूं।
अगर आप इस बात को समझ जाओ कि आप अलग कर दिए गए, आपको अलग इसलिए किया कि लोग आपको देख सके, आपको पहचान सके, लोग परमेश्वर ने आपको इसलिए अलग किया कि जिस तरह दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि पूरे यहूदी लोग एक मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर दिल से चाहता है कि ऐसे लोग खड़े हों जो मेरे नाम लेकर मरने के लिए भी तैयार हों, और फिर मैं उन लोगों को खड़ा करूं उन लोगों के सामने जो मेरे नाम के कारण मरने में तैयार नहीं है, और मैं उन लोगों को ब्लेस करूंगा, आशीष करूंगा और दूसरों को बताऊंगा कि मेरे वचन पे खड़े होने का मतलब क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। और परमेश्वर आज भी ढूंढते हैं ऐसे लोग जो आम यहूदियों आम क्रिश्चियन लोगों की तरह चलने के लिए तैयार नहीं, जिनके पास गॉसिप करने का टाइम नहीं, कोई बहस करने का टाइम नहीं, जिनके पास इधर उधर क्या हो रहा है सोचने का कोई टाइम नहीं, जिनके पास कोई टाइम नहीं कि वो दूसरे पास्टर्स की बुराई करें, सेवकाइयों को जांचें और परखें। आप जज नहीं हो, मैं जज नहीं हूं, जज कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग वचन पे खड़े हैं, जिनकी सिक्स सेंस खुली है, जो फेथ से चल रही, विश्वास चल रही, हाँ मैं ये काम, मेरी ये हद है, इस हद में रहना है, इस हद में नहीं रहना, और फिर आप क्या देखते हैं, सातवीं सेंस आपकी खुलती है। जब सातवीं सेंस आपकी खुलती है, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने कहा था पत्रस को, पत्रस मैं कौन हूं, सब चेलों ने क्या कहा, लोग कहते हैं, कौन कहते हैं, परमेश्वर ने कहा लोग क्या कहते हैं, चले कहते प्रभु तेरे को उसी दास है जुगली, तेन बहुत बढ़िया दास है, तेन फलाने नहीं आया क्या। आप चेले प्रभु की भी सुन रहे हैं, लोगों की भी सुन रहे हैं, और कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा पत्रस तू मुझे क्या कहता है, कहता तू मसीह, कहता अब मैं तुझ में कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। जब आप फेथ से विश्वास से, आपको कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, आपको ये मतलब है। इवन यहां तक भी जब मेरे को पता है कि ये मेरा परमेश्वर का एक आत्मिक पिता, एक मेरा मेंटर है, मुझे कोई मतलब नहीं दूसरा कहता, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि फेथफुलनेस एक की है, एक चाबी है ऊपर और ऊपर जाने के लिए। हालेलुया। जब हम समझ जाते हैं कि आप विश्वास से चल रहे हैं, और आप विश्वास से चलते चलते फिर एक दिन परमेश्वर आपके कानों खोलेगा और आपको वो प्रोफेसी देगा, वो वर्ड देगा जो आपके आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। फिर भाई बताती पत्रस ने कहा तो परमेश्वर का जीता बेटा मसीह, परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चला जा, अब मैं तुझे कलीसिया बनाऊंगा। दूसरों पे कि पत्रस पे, क्या पत्रस आसमान से चुना गया था? नहीं, उसके विश्वास के कारण, सिक्स सेंस के कारण जो उसने परमेश्वर के सामने रखी, उसको प्रोफेसी दी गई, उसको भविष्यवाणी दी गई। किसके कारण? छठी सेंस के कारण। वो कौन सी है? विश्वास। इसीलिए जब शद्रक मेशक अबेदन को चल रहे थे विश्वास के साथ, लोग नहीं चले, वो शारीरिक हिसाब से चले कि नहीं अब धूप जाना चाहिए, जान है तो जहान है, मेरी कुड़ी में कौन पालूगा, मेरे न्याणी में कौन पालूगा, मेरी कार वाले की बनूंगा, मेरे डैडी दे की बनूंगा, रेडी लाना होगा की बनूंगा, मेरी बेड़ा मॉल बनाया होगा की बनूंगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो क्या बोले, कहते कुछ बने ना बने, उसके वचनों से हम नीचे नहीं गिरेंगे, लोग कहें कुछ भी कहें, कुछ भी जाए, कुछ भी कोई कुछ, कोई भी कुछ भी गवा जाए, लेकिन अपना नहीं जाना। आमीन। आप सिक्स सेंस जब चलना शुरू करते हैं, आपको सेवंथ सेंस परमेश्वर आपको देता है, आप समझ जाते हैं हाँ ये परमेश्वर का प्लान, और ये एक दिन, एक साल, दो साल, चार साल में नहीं होता है। आप जल्दी में हो क्या है? ताली है कोई कि पांच साल सारा कुछ यीशु मसीह को लेना है, अगले साल ही करना है, छठवें साल बोलो, सत्रहवें साल की करूंगे, फिर दसवें साल की करूंगे, ताली है कोई? परमेश्वर का जवाब उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जो किसी ना किसी तरह की जल्दी में, जो किसी ना किसी जल्दी में कुछ ना कुछ चाहते हैं इसलिए चर्च में बैठे हैं, कुछ लोग वचन चाहते हैं, कुछ लोग प्रेम चाहते हैं इसलिए चर्च में बैठे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सिक्स सेंस कौन सी है आपकी? विश्वास। और जब आप चलते हैं विश्वास से, परमेश्वर फिर आपको रेवलेशन, वो मूर्खता भरी भविष्यवाणी में, एक फेथ, एक परमेश्वर आपको 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 एक विजन देता है, आपके अंदर वो डाल देता है कि हाँ ये तेरी लाइफ का एक विजन है,
फिर वो विजन आपको अपने आप से भी ज्यादा पता होता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं नकली हूं, लेकिन वो विजन असली हो, इतना असली आपकी जिंदगी के लिए बन जाता है। ये गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। सारे यहूदी झुक गए, वो नहीं झुका, वो तीन नहीं झुके, डैनियल नहीं झुका। कौन सा रिजल्ट लेना चाहते हो, डैनियल वाला के आम लोगों वाला? अगर डैनियल का रिजल्ट लेना चाहते हो, उसके जैसे आपको परीक्षाओं में भी जाना पड़ेगा। जिस तरह इसराइलियों के सामने उनके घरानों में कोई पक्षपात नहीं होता था, काबिल व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, बड़ा जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, पाप के कारण उसको छोड़ दिया जाता। जब शैमुल मसा करने के लिए गया था, तो सबसे बड़ा बेटा आया, उसका कौन था वो अभिनादाब शायद। परमेश्वर ने कहा मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, बिना परखे चेक किया कि परख के रिजेक्ट किया उसको, उसको बिना परखे परमेश्वर ने छोड़ दिया, राजा ने उसको नहीं चुना कि उसको परखा गया था, टेस्ट हुए थे कि नहीं हुए थे, फेल पास टेस्ट होने के बाद पता चलता कि पहले आप बता देते हो बाद में कि नहीं, तो उसके टेस्ट हो गए थे। परमेश्वर ने कहा मैं इसको अयोग्य करार करता हूं, और शैमुएल ने सोचा ये लंबा है, लंबा जोड़ा है, सुंदर है, इसको राजा बनाया जाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो पहले राजा बनाया गया था वो उसी तरह बनाया गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं बाहरी रूप नहीं, मैं दिल को देखता हूं। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो राजा नहीं चुना गया, उसके भाई भी नहीं चुने गए। उसी तरह परमेश्वर की निगाहों में हम लोग हैं, वो नहीं देखता कि आपके पापा पास्टर हैं या नहीं, वो नहीं देखता कि आप कितने साल से चर्च में जा रहे हैं, वो ये देखता है आपने डिमांड की है उसकी अनॉइंटिंग के ऊपर या नहीं। जो आप प्रार्थना करते हैं आप डिमांड कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, आप कर्मों के साथ डिमांड रख रहे हैं कि अब परमेश्वर को आपको फलवंत करने करना है। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं आप डिमांड कर रहे हैं, आप फेथ के साथ कोई स्टेप ले रहे हैं, आप एक डिमांड रख रहे हैं, आप परमेश्वर के ऊपर एक भार रख रहे हैं, जो परमेश्वर आपको वापस करेगा क्योंकि आप उसको हरा नहीं सकते। हालेलुया। कितनी बातों को समझ रहे हैं, आपको डिमांड रखनी, आपको उसके ऊपर रखना है एक चीज को परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के घराने में कोई पक्षपात नहीं, योग्य व्यक्ति आगे बढ़ाए जाए। जो पुराने वो कि नए, बोलो पुराने लोग या नए लोगों को, जो काबिल है उनको, ना नए ना पुराने। हालेलुया। ना नए ना पुराने, उसके सामने काबिल जा पाएंगे। बाइबल में लिखा जो अपने काम में निपुण है वो राजाओं के सामने खड़ा किया जाए। किसके सामने? डैनियल, अगर आप उसकी सेवकाई को देखें तो वो राजाओं में सेवकाई करता था। कारण क्या? अपने काम में वो क्या था? निपुण था। परमेश्वर आपकी पदवी को ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में।